नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पार्सल एंड पाठशाला रेलवे एग्जाम में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? नसरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, परेश रावल। इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे उसके पहले दिन की ताज़ा खबरों से रूबरू होंगे। एक सुझाव मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि अभी जो करंट अफेयर आता है वो ज़्यादातर बेस्ड होता है हिंदी मीडियम में। मैं इसे कोशिश करूँगा कि मंडे से दोनों लैंग्वेज में लेके आ पाऊँ, हिंदी और इंग्लिश में, और मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ करूँ। हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले मोड से पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले मोड से पढ़ लेंगे। अगर आपको करंट अफेयर का जो है क्लास है ये अगर समझ में आ रहा है और बेहतर लग रहा है तो नीचे जो है कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देते रहिए, क्योंकि मंडे से मैं उसे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। और आज के दिन का जो टारगेट रहेगा वो 1000 लाइक रहेगा। ये मुझे उत्साह देगा और थोड़ा सा वैल्यू ऐड करेगा मेरे दिल पे, मेरे मन पे, ताकि करंट अफेयर को मैं और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। हर चीज़ के लिए एक ड्राइविंग फोर्स होता है। करंट अफेयर के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपका प्यार है, वो आपका सम्मान है, और इसे नीचे कमेंट सेक्शन और लाइक के बटन पे दबा के ही आप जता सकते हैं। सो चलिए दिन के ताज़ा खबरों की तरफ बढ़ते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज की क्लास में थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। करंट अफेयर की पूरी PDF आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, इसे आप खुद भी रीड कर सकते हो। मेरा जो काम है इस करंट अफेयर में जो भी मेन की पॉइंट्स है उसे समझाना, और अगर कोई और रिलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसे भी कवर करते हुए चलना। मंडे से मैं कई सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा और डे बाय डे इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं सारा न्यूज़ रीड करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ जो करंट अफेयर की जो समरी है उसे इन लेक्चर्स के माध्यम से डिलीवर करूंगा, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले पाओ। सो दिन की पहली खबर है, इंडिया स्लिप्स 26 स्पॉट्स ऑन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। देखो, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 एक रिपोर्ट आई है, कनाडा की एक संस्था ने इसे जारी किया है। एक बात समझिए, जैसा कि नाम है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इसका मतलब क्या है? हमारी जो इकोनॉमी है कितना बेहतर तरीके से काम करती है, कितनी जो है सुविधाएं हमारी इकोनॉमी में किसी भी स्टार्टअप को गवर्न करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए कितना प्रोसेस यहाँ पे इजी है, ताकि हमारी इकोनॉमी स्मूथन हो सके। इस तरीके के लिए अलग अलग पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटर के हिसाब से एक सूचकांक बनाया जाता है, उस सूचकांक को जारी किया जाता है। सो इंडिया का क्या हुआ है, इस इंडेक्स में 26 स्पॉट स्लिप हुई है, जो कि बुरी खबर है। पहले इसका स्थान जो है 79 था, अब 105वां स्थान है। यह है बुरी खबर, लेकिन साथ में एक अच्छी खबर भी है। आपको पता है कि हमारी जो अभी थोड़ी सी जो है लड़ाई चल रही है दिमाग टू दिमाग, ब्रेन टू ब्रेन, वो है चाइना के साथ। तो चाइना इसमें जो रैंक होल्ड कर रहा है 124, तो यहाँ से हम जो है चाइना से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोगों से हार रहे हैं, तो टॉप किसने किया है, बड़ा सवाल यह आता है। टॉप किया है हांगकांग ने और दूसरा नंबर है सिंगापुर का। सो हम भी कभी सपना देख रहे हैं कि हम सिंगापुर और हांगकांग की तरह अपना जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा फ्री कर पाएंगे। गवर्नमेंट बहुत सारे जो है पॉलिसीज बनाती है, बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन हर चीज़ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़नी चाहिए। पर यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि जो और देश हैं वो रैंकिंग सुधार रहे हैं, जबकि इंडिया रैंकिंग खराब कर रही है। पर कोई नहीं, धीरे धीरे सिस्टम चलती है, कभी आगे चलते हैं कभी पीछे चलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि जो रैंक है वो 105 और 26 रैंक हम स्लिप हुए हैं। हांगकांग की जगह पहला, सिंगापुर की जगह दूसरा, चीन 124वें स्थान पर। यह रिपोर्ट जो है 162 देशों और अधिकार क्षेत्रों में आर्थिक स्वतंत्रता को आंकने से आया है। अब देखिए कि उसमें क्या क्या आंका गया है। व्यक्तिगत पसंद का स्तर आंका गया है, बाजार में प्रवेश की योग्यता आंकी गई है कि किसी भी देश का जो बाजार है उसमें कितना इजीनेस है किसी भी नए स्टार्टअप को प्रवेश करना। एंट्री लेवल पे जो एंटरप्रेनर्स होते हैं कितनी आसानी से जो एंट्री कर पाते हैं, क्योंकि कई सारी पॉलिसीज होती है, अलग अलग तरीके के चैलेंजेज होते हैं, वो चैलेंज कितना कम है क्या ज़्यादा है, उनके बेसिस पे ये सूचकांक जारी किया है। निजी संपत्ति की कितनी सुरक्षा है उस पर ये सूचकांक जो है मापा गया है। कानून या शासन क्या क्या रोल रहने वाला है इकोनॉमी को जो है ईज करने में, उस पर ये मापा गया है। उस मापन में क्या हुआ है, सूचकांक के हिसाब से 79 से हम कहाँ आ गए हैं, 105 पे। इसका ये मतलब है कि पहले हमारा देश में व्यापार करना ज़्यादा आसान था, इस इंडेक्स के हिसाब से हमारी इकोनॉमी थोड़ी और डिफ़िकल्ट हुई है, ऐसा ये सूचकांक बताता है। इसके बाद हम अगले खबर की तरफ चलेंगे। अगली खबर जो है ये एक फेमस सी महिला है, कल्पना चावला इनका नाम है। अब क्या है, एक चीज़ समझिएगा, अमेरिका में एक स्थित है एरोस्पेस और डिफेंस की कंपनी, एरोस्पेस की और डिफेंस की कंपनी, इसका नाम है नॉर्थरॉप ग्रूमैन।
ये क्या करती है, हर साल जब भी इनका जो है कोई एक जो मिशन है, एक जो अंतरिक्ष यान है, जब भी वो ये अंतरिक्ष में छोड़ती है तो एक स्पेशल काइंड ऑफ जो है अंतरिक्ष यान है, जो NG-14 साइग्नस अंतरिक्ष यान है, इस बार इस अंतरिक्ष यान का जो नाम है वो SS कल्पना चावला के नाम पे नामकित किया गया है। ये इनकी परंपरा है, जब भी ये सिग्नस जहाज का नामकरण करते हैं, इस सिग्नस जहाज को अब हमेशा जो है ऐसी महिला के नाम पे, ऐसे पुरुष के नाम पे करते हैं जो अंतरिक्ष उड़ान में कहीं ना कहीं बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी हूँ। तो कल्पना चावला एक फेमस पर्सनालिटी है जो पहली भारतीय महिला के नाम पे जानी जाती है जो पहली बार अंतरिक्ष में निकली थी, और ये भारतीय मूल की हैं, एक्चुअली अमेरिकन नागरिक हैं। थोड़ा सा इनके विषय में जान लेते हैं कि कल्पना चावला जो है अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं, इंजीनियर हैं। ये 1 जुलाई 1961 को करनाल में जो है पैदा हुई थी, और ये इनका जो डेथ है वो 1 फरवरी 2003 में हुआ था, टेक्सस यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। स्पेस मिशन इनके दो रहे हैं, एक STS-107, एक STS-87 है। स्पाउज जो इनके हैं जीन पेरी हैरिसन हैं। एजुकेशन इनकी जो हुई थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से हुई थी। अवार्ड्स इनको 2-3 मिले हुए हैं, कांग्रेशियल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर मिला था, नासा स्पेस फ्लाइट मिला था, और नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल मिला था। तो ये कुछ मेडल मिले थे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कल्पना चावला से आता है, वो ये आता है कि पहली अंतरिक्ष में जाने वाली जो महिला थी भारत की तरफ से, वो कल्पना चावला है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, मिशन स्पेशलिस्ट थी 1997 में, और एक शटल कोलंबिया के नाम से, स्पेस शटल कोलंबिया के नाम से गया था जो 1997 में गया था, ये उस टाइम की मिशन स्पेशलिस्ट थी। इसके बाद अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। अगली खबर है हमारी चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट को लेके, इसमें इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। ये यूनिसेफ ने जारी किया है बेसिकली, ठीक है, और 1990 से 2019 के बीच में, और ये रिपोर्ट जो है यूनिसेफ का जो रिपोर्ट आया है। यूनिसेफ बेसिकली क्या है, चाइल्ड्स पे काम करने वाली एक संस्था है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनको लेके जितना भी सर्वे होता है, जितना भी रिपोर्ट होता है, उनकी बेहतरी के लिए जो काम करने की वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ के विषय में डिटेल में जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट समझ लीजिए। ये रिपोर्ट जो है यूनिसेफ ने तैयार किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तैयार किया है, संयुक्त राष्ट्र विकास ने तैयार किया है, सामाजिक कार्य विभाग के जनसंख्या प्रभाग ने किया है, और विश्व बैंक ने किया है। ये इतनी बड़ी समूह ने जो है ये क्या किया है, ये रिपोर्ट तैयार किया है इंडिया के लिए। और इस रिपोर्ट में खास बात क्या है, ध्यान दीजिएगा कि 1990 से 2019 के बीच में जो बच्चों की मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। एक बार समझिएगा कि 2019 से पहले 1990 में होता क्या था, जो 1000 बच्चे पैदा होते थे, जो 0 से 5 साल तक जब वो पहुंचते थे तब तक जो है 126 बच्चों की डेथ हो जाती थी। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो आप सीधे ऐसे समझिए, डिवाइडेड बाय 1100 ये आएगा आपका 12.6%। आप ये रेट देख रहे हैं कि 5 सालों में 12.6% बच्चे मर जाते थे। और अभी आपको पता है कोविड एक ऐसी पैंडेमिक है जिसको लेके बहुत हा हुल्ला हो रखा है, और खुद भी मैं भी बहुत डरा हुआ था, 1.5 महीने 2 महीने काम नहीं किया, बड़ी आज़ादी के साथ आजकल बाहर रहता हूँ, थोड़ी लापरवाही भी कर रहा हूँ। अभी इसका जो डेथ रेट आया है वो आया 2.73% समथिंग, 2 से 3 के बीच में आया है। अब एक बात समझिएगा कि इवन दो ये 12.6% है, ये कम हो के आया 126 से 34 आ गया है, मतलब 3.4% पे आ गया है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे देख रहे हैं डेथ रेट 12.6, इसे महामारी नहीं घोषित किया गया है, लेकिन एटलीस्ट इस पे इतना ध्यान दिया गया है कि डेथ रेट 12.6 से घटा के 3.4% तक लाया है। ये जो मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब एक चीज़ और देखिएगा कि निरंतर गिरावट है, 1990 से लेकर 2019 के बीच में 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनकी मृत्यु दर हर साल 4.5% इस पे कमी आई है। हर साल जो है क्या हुआ है, 4.5% इसमें कमी आई हुई है। अभी देखो यार 2019 में 8.24 लाख बच्चे की डेथ हुई है, और 1990 में 34 लाख थी। तो 34 लाख से 8.24, 34 से ये 8.24 लाख डेथ पे पहुंची है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत में प्रत्येक 1000 जीवित जन्म पर नवजात मृत्यु दर 1990 में 89 थी, जो अब घट के क्या हो गई है, 28 हुई है। ये 1990 में जब 1000 बच्चा पैदा होता था तो 89 बच्चों की डेथ हो जाती थी, जो अब जो है वो कितनी हो गई, 28। लेकिन अगर मैं बात करूं 0 से 5 साल तक जाने में 12.6% बच्चों की डेथ होती थी, जो घट गई है अब वो जो है सिर्फ और सिर्फ 34 रह गई है, मतलब 3.4% रह गई है। थोड़ी सी जानकारी यूनिसेफ के विषय में ले लेते हैं। यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ या इसको बोलते हैं द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इज ए यूनाइटेड नेशन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड।
यूएन हेडक्वार्टर इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। अब इसका जो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क में और ये यूनाइटेड स्टेट में है। इसकी जो हेड हैं वो हेनरिटा एच फोर हैं और इसको जो फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 में किया गया था। ये डेट जो है यूनिसेफ को कब फाउंड किया गया था 1946 में, 11 दिसंबर 1946 में। ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके जो हेड हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, हेनरिटा एच फोर। ये अभी करंटली जो है इसके हेड है। सब्सिडरीज है यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया, यूनिसेफ आयरलैंड, फाउंडर्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और लुडविक रिचमैन, ये इसके फाउंडर हैं। और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद है फाइनेंस मिनिस्ट्री लॉन्च डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज, एक चीज़ को समझिएगा कि ये सिर्फ समझने वाली चीज़ है, बहुत सारा डेटा है यहाँ पे, इस डेटा का कुछ खास काम नहीं है। आप ऐसे समझिए कि जैसे अभी तक क्या है जो बैंकिंग सर्विसेज में है, उसमें जो डोर स्टेप डिलीवरी अभी तक कोई चीज़ होती है तो गैर वित्तीय सेवाएँ हैं। गैर वित्तीय सेवाओं में क्या क्या आता है? गैर वित्तीय सेवाओं में जैसे बेसिक चेक हो गया, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ऑर्डर लेना हो गया, पे ऑर्डर लेना हो गया, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैंक के कर्मचारी घर पे आके लेके जाते हैं। वो भी आम लोगों के लिए लेके नहीं जाते हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अच्छे स्टार्टअप हैं, जिनके पास फंड ठीक ठाक है, जैसे हमारे पास वो आते हैं, अगर हमें कोई चेक लेना हो तो वो रिसीव करके लेके आ जाते हैं। हम बैंक नहीं जाते हैं, तो हमें सर्विसेज क्या मिल जाती है? इन हाउस मिल जाती है, हमारे ऑफिस में मिल जाती है। अब जब भी हमें अकाउंट खोलना हो तो हमें बैंक के चक्कर काटने होते हैं, एक दिन दो दिन ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट फला डॉक्यूमेंट ठिका डॉक्यूमेंट। तो ये जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज है ये लॉन्च किया गया, इसमें क्या होने वाला है, जो अकाउंट ओपन करने का सिस्टम है वो सारा का सारा घर पे हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिसके लिए हमें बैंकों में लंबी लाइन लगानी पड़ती है, वो डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि हम घर पे ही सारा का सारा काम करें। ज़्यादातर बैंकिंग सर्विसेज आपने देखा है कि अब तो डिजिटलाइज हो गया, लाइक एटीएम हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गई है। इसी तरीके से अकाउंट ओपन करने के प्रोसेसेस भी वो क्या हो रहा है कि हाँ चलो डोर स्टेप कर लेते हैं। हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जो लोग बैंकों की लाइन नहीं लगा सकते, उसमें बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस चीज को आपको समझना है, इससे वरिष्ठ नागरिक को बहुत 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 ज्यादा लाभ होगा। निर्मला सीतारमण ने इसका जो है क्या कहा किया है, इनॉग्रेशन किया है, अनावरण किया है, शुभारंभ किया हुआ है। तो ये एक नाम है, आपके जो है एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज का जो है शुभारंभ किसने किया था, तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। और ये हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं और इनका फेस बहुत पॉपुलर रहा है, अक्सर करके न्यूज़ में आप देखते रहते होंगे। आगे की न्यूज़ में चलेंगे, फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले, ये इंडिया इन्होंने विजिट किया हुआ है, ये 10 सितंबर को भारत आई थी। अंबाला के वायुसेना अड्डे पर राफेल लड़ाकू विमान को वायुसेना में शामिल किया गया है और ये आधिकारिक समारोह थी वहाँ पे, इसमें वो शामिल हुई हैं। तो अंबाला एक ऐसी जगह है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुसेना में जब राफेल को शामिल किया है उसका जो शुभारंभ का सवाल था वो कहाँ पे था, अंबाला में था। अंबाला में ही जो राफेल को है वो जो है वायुसेना अड्डे पे, अंबाला के वायुसेना अड्डे पे राफेल लड़ाकू विमान को वायुसेना में शामिल किया गया है। अब एक चीज़ और समझिएगा कि सुश्री पार्ले, रक्षा मंत्री पार्ले, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इनसे मुलाकात किया है और क्या करने वाली है, रक्षा सहयोग पे बात करेंगे। भाई अब रक्षा मंत्री लोग हैं तो क्या करेंगे, रक्षा सहयोग पे बात करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और उसके आतंकवाद को कम करने के लिए उन्होंने बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे इन्होंने असोर किया है जो आने के बाद कि जो फ्रांस से आने वाली 31 राफेल है वो भारत को उसकी आपूर्ति जल्दी करा दी जाएगी। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में एक बात ये बताना है, ये तो अभी बचा हुआ राफेल है जो इंडिया आना है, कितने राफेल अभी तक भारत में आए, ये लगभग सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि कितने राफेल अभी तक भारत आए, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ करके बहुत चला हुआ है। सो आपने देखा होगा कि चाइना से होने वाला युद्ध और हमें मिला है इतने सारे राफेल, तो वो आपको काउंटिंग में बताने हैं कि कितने राफेल भारत आ चुके हैं। 31 तो आने वाले हैं, टोटल कितने हो जाएंगे जोड़ के ये भी बता दीजिएगा। और दिन का जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब इस खबर में है कि एक्टर परेश रावल को जो है न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को लेके, NSD का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। इनको कुछ और चीज़ें भी मिली गई, जैसे वह चोकरी और सर, इसमें उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। सहायक अभिनेता, मुख्य अभिनेता नहीं, सहायक अभिनेता, मेन अभिनेता हीरो होते हैं, ये सहायक अभिनेता के फॉर्म में इनको वो चोकरी और सर इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। 2014 में उन्हें पद्मश्री ऑलरेडी मिल चुका हुआ है और ये पूर्व भाजपा सांसद रहे हैं, क्योंकि 2014 वाले इलेक्शन में लड़े थे, जीते थे, अहमदाबाद पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे हुए हैं। अब अभी NSD के जो पुराने जो कुछ नाम है, जैसे रतन थियम 2013 से 2017 तक NSD के चेयरमैन रहे थे। NSD के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले जो निदेशक थे वो अब्राहिम अलकाजी है, इनका पिछले महीने ही निधन हो गया था। अब क्या है, NSD को कौन चेयरपर्सन करेगा, हमारे परेश रावल जी करेंगे
और मुझे पता है कि मैंने इनकी एक मूवी देखी थी, मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़ा समय लूंगा। हलचल आपने देखा है? हलचल भाई साहब क्या धांसू मूवी है। उसमें एक तो इन्होंने मतलब हनुमान भक्त का रोल किया हुआ है और ऐसे ब्रह्मचारी लगते हैं जैसे कि पूछो मत। लेकिन पिक्चर थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि साहब की एक बीबी और दो दो बच्चे हैं और बाकी सारे भाई बगैर बीबी के और बगैर बच्चे के। सो बड़ी अच्छी मूवी देखिएगा। मेरे जो है ITJ की प्रिपरेशन करने के दौरान जो है हमारे फिजिक्स के टीचर जिनका नाम अमित पांडे, उन्होंने क्लासरूम में जो है दिखाया था और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था, लिटरली सीटियाँ बजा बजा के इन्जॉय किया था। आज भी आप इसे देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। सो मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत सारी मूवीज़ में यार ऑसम रोल है। बस पुरानी मूवी मत देखिएगा जब ये विलन के रूप में काम करते थे तो लिटरली जो इन हमें लगता था जब हम बच्चे थे तो बिल्कुल ही अजीब से नज़र आते थे, बट अब की मूवी देखोगे इनके रोल एकदम एक नंबर के ऑसम है। हम यहाँ बात करने हैं हुबलई रेलवे स्टेशन की। इसका रीनेम किया गया है और इसका रीनेम किया है सिद्धू रुधा स्वामी जी के नाम पे। सो बाबाओं का प्रथा, और मैंने अभी हाल ही में एक सीरीज़ देखी है आश्रम, देखिएगा मज़ा आएगा और बाबा लोगों के विषय में थोड़ा सा आप जानेंगे। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं हुबलई में, इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो केंद्र सरकार से कंटिन्यूसली जो हुबलई के लोग हैं वो लड़ाई लड़ रहे थे कि नहीं भाई इस रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धू रुधा स्वामी जी के नाम पर रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने उस विद्रोह को दबाने के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए कि वो सरकार के खिलाफ ना हो जाए, रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया। ये अक्सर करके होता है कि जब लोग मास स्केल पे आते तो जो मर्जी आए वो करा लेते हैं, ठीक है। तो हुबलई रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदल दिया गया, सिद्ध रुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन रह गया है। अब ये जो स्टेशन था ये दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। मेन बात यह है कि दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का ये मुख्यालय है। पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार इसका नाम बदला गया है। 2015 में पहले नाम था हुबली HUBLI, फिर उसके बाद हुबली HUBBALLI कर दिया था, अब इसे बदल दिया गया है। और सिद्ध रुद्र स्वामी जी जो है हिंदू गुरु रहे हुए हैं, थोड़ा सा इनके विषय में जान लेते हैं। वैसे तो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी ये बान हुए थे 26 मार्च 1836 को चलकपुरा में, 21 अगस्त 1929 में 93 की एज में जो है इनके डेथ हो गई थी हुबलई में। रेस्टिंग प्लेस इनका है सिद्ध रुद्र माथा हुबलई में, और रिलीजन इनका हिंदुइज्म था, नेशनलिटी इंडियन, पेरेंट्स का नाम कभी पूछेगा नहीं, फिलोसफी सिविज ये भी पूछेगा नहीं। चलो स्किप करते हैं, चलते हैं। पुलिस ऑफिसर पूनम खत्री, ये हरियाणा की रहने वाली हैं पूनम खत्री। ये क्राउन उशू वर्ल्ड चैंपियनशिप, उशू क्या है पहले तो ये समझिएगा। उशू वर्ल्ड चैंपियनशिप ये ऑर्गेनाइज कहाँ पे होता है? चाइना में होता है। चाइना में ऑर्गेनाइज होता है, एक तरह का कुंगफू है। क्या है? एक तरीका उशू, एक कुंगफू है। पूनम खत्री जी ने क्या किया था? पूनम खत्री जी ने ये चैंपियनशिप लड़ा था। चैंपियनशिप लड़े में 1-on-1 फाइट में क्या हुई थी, ये जो सामने वाली बंदी थी ये हरा दिया था पूनम खत्री जी को, और इनको क्या रजत पदक मिला था, रजत पदक मिला था। लेकिन ये वाली जो बंदी थी, नाम डिस्कस करेंगे अभी, ये ईरानी प्रतिद्वंदी थी। और हुआ क्या, बाद में इनका डोप टेस्ट हुआ, डोप टेस्ट में ये पॉजिटिव पाई गई और इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। तो ये जो हमारी पूनम खत्री जी है ये गोल्ड मेडलिस्ट हो गई, मतलब रजत पदक से गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये विश्व चैंपियनशिप खिताब इनको मिल गया। क्यों मिला? ये जीती थी या सामने वाला डिस्क्वालीफ, दो तरीके से आप जीत सकते हो, एक तो लड़के जीत जाओ और दूसरा सामने वाले को डिस्क्वालीफाई करके जीत जाओ। तो इन्होंने सामने वाले को डिस्क्वालीफाई नहीं कराया, उन्होंने अपने आप को खुद ही डिस्क्वालीफाई कराया क्योंकि डोप टेस्ट में वो पॉजिटिव पाई गई थी। और ये रूल है, कई बार लोग इसे सोचेंगे कि यार ये तो फर्जी का मिल गया, यार हार गई तभी मिल गया। लेकिन गेम का एक रूल है कि इस रूल में अगर आप खड़े नहीं उतरोगे तो आप पहले से ही लड़ाई लड़ने लायक नहीं हो। जैसे सेमीफाइनल मैच हो गया, फाइनल में आप पहुंचे हो और फाइनल में सेम स्टैंडर्ड पे दूसरा वाला पहुंचा है कि नहीं पहुंचा हुआ है। ये 75 किलोग्राम वर्ग में खेला गया था। तो पूनम खत्री जी हरियाणा की रहने वाली थी और ये पुलिस ऑफिसर हैं, और इन्हें क्या हुआ, इन्हें जो है अब विश्व चैंपियनशिप का खिताब मिल गया है, गोल्ड मेडल मिल गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। उशू के विषय में, ये चाइनीज कुंगफू है। द वर्ल्ड उशू चैंपियनशिप आर हेल्ड एवरी 2 ईयर्स, और 2 साल में एक बार होता है। और एक बात ये समझिएगा कि चाइना में PR चाइना है, ये ज़्यादातर खिताब ऐसा हुआ कि ज़्यादातर खिताब अब चाइना में है तो जो लोकल लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ज़्यादातर जो मेडल्स है, ज़्यादातर जो खिताब है, PR चाइना ने ही जीता है। तो जो आपको याद रखना है, उशू ये चाइनीज कुंगफू है, चाइना में ऑर्गेनाइज होता है और 2 साल में एक बार जो है ऑर्गेनाइज होता है। इसके बाद अगली खबर की तरफ, जैसे आपने ड्रीम इलेवन देखा इसी तरीके से प्लेयर्स बोट है, प्लेयर्स पॉट है, बोट नहीं प्लेयर्स पॉट, इधर लिखा है पॉट, प्लेयर्स पॉट। सो प्लेयर्स पॉट जो है ड्रीम इलेवन के कंसेप्ट पे ही एक गेमिंग एजेंसी है और गेमिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये हमारे भुवनेश्वर कुमार हैं, इनकी फेस तो सभी जानते होंगे। और ये भाई साहब
एक सुंदर सी महिला। ये हमेशा होता है जब भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, इनका नाम जो है आप ध्यान से देखिएगा, इनका नाम है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना एक टॉप क्लास की परफॉर्मर है, विश्व स्तरीय परफॉर्मर है, और इनके बहुत सारे जो है खेल के जो प्रेमी हैं इनके फॉलोअर हैं, क्रिकेट प्रेमी इनके फॉलोअर हैं, इस वजह से इनको ब्रांड एम्बेसडर मिला है, ताकि इनका जब भी फेस सामने रखा जाए तो ये जो ऐप है, ये ऐप जो है ज़्यादा पॉपुलर हो सके, ज़्यादा फेमस हो सके, क्योंकि पहले से ड्रीम इलेवन मार्केट में है। ड्रीम इलेवन के पैरेलल खड़ा होने का मतलब है कि ब्रांडिंग नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। एक मैं चीज़ बताऊंगा कि मैं चाहे ड्रीम इलेवन हो चाहे प्लेयर स्पॉट हो, ये दोनों एक तरीके का गैम्बलिंग का प्लेटफॉर्म है। कैसे, मैं सिंपल सा कंसेप्ट इसका बताता हूँ। किस लाइक की मान लीजिए 100 प्लेयर खेल रहे हैं, 100 प्लेयर्स ने 100-100 रुपये डाले, तो ये कितना हो गया, 10,000 मनी हो गया। 10,000 मनी में 15% जो ऐप होता है वो चार्ज कर लेता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो होता है वो उन्हीं खिलाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहने का मतलब है कि कुछ खिलाड़ियों ने खेला, कुछ खिलाड़ियों ने जीता, यहाँ से जो पैसा आया इसका 15% कंपनी ने चार्ज कर लिया और ये जो है ये नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये सेम उसी तरीके से जैसे आपका जुआ होता है, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पे होता है कि कितने परसेंट जीतने की प्रोबेबिलिटी है, उसमें सिंपल मैथमेटिक्स लगा होता है और हर जगह सिंपल मैथमेटिक्स लगता है और यही मैथमेटिक्स किसी को हारने और जीतने में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ऐप क्या करती है, कमीशन चार्ज करती है 15%, रेस्ट ऑफ द 80-85% पैसा जो है वो डिवाइड हो जाता है खेलने वालों में और जीतने वालों में। तो कुछ लोग खेले, कुछ लोग जीते और कुछ लोग हारे, तो कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, तो गैम्बलिंग है। आंध्र प्रदेश ने जो है ड्रीम इलेवन सॉरी रमी और पोकर इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सीधे सीधे ऑनलाइन जो जुआ वाला बिजनेस चालू हुआ है ऐप के माध्यम से उसको बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया। और मेरा मानना है कि सरकार को भी शट डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है बर्बाद होते हैं। आप ऐड देखा होगा कि मैंने इतने लाख रुपए जीत लिए, इतने लाख रुपए जीते, वो जीतते कम नुकसान होते हैं। अल्टीमेटली अगर आपने लाख रुपए जीता है तो ये भूख ऐसी होती कि बार बार आप पैसे लगाएंगे, बार बार पैसे लगाएंगे, अल्टीमेटली फिर से आपका सारा का सारा पैसा वहीं से आया वहीं चला जाएगा। जो कंपनी है वो हमेशा रिच होती रहेगी और लोग आएंगे और वहीं पहुंचेंगे और फिर हार जाएंगे। जो गेम क्रैक कर लेगा, और गेम क्रैक किया नहीं जा सकता, प्रॉपर कोडेड होता है, इतना आसान नहीं होता है, ज़्यादातर तो लोग उसमें हारते ही हैं। सो चलिए, ये तो समझाने वाली बात हो गई। रेस्ट ऑफ द बात करते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा क्लिक्स फर्स्ट फोटो। देखो यार, 3200 मेगापिक्सल की एक जो है तस्वीर ली गई है इस डिजिटल कैमरे से। 3200 मेगापिक्सल मतलब आप समझ रहे हो, अभी मैक्सिमम जो मैंने सुना है किसी कैमरे में आता है 64 मेगापिक्सल, ये अब तक मेरे जानने में आए। 3200 मेगापिक्सल मतलब कितना क्लियर पिक्चर ले सकता होगा, कितना दूर का पिक्चर कितना क्लियर ले सकता होगा। ये जो डिजिटल कैमरा बनाया गया है वो ये बोल रहा है कि 15 माइल तक जो है अगर एक गोल्फ की बॉल रखी है छोटी सी, उसका भी पिक ये ले लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये चिले में एक यूनिवर्सिटी ऑफ लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम टेलीस्कोप LSST, ये नाम है, चिले में है, चिले में यूनिवर्सिटी है ये, वहाँ पे ये जो क्या है ये कैमरा लगाया जाएगा, जो कि क्या करने वाला है, जो आपकी डार्क एनर्जी होती है या डार्क मैटर होता है उसका अध्ययन करने वाला होता है। कहने का मतलब है कि जो आपकी स्पेस चीज़ें हैं या डार्क एनर्जी डार्क मैटर है उनका अध्ययन करने के लिए बहुत कैमरे का बहुत सूक्ष्म चीज़ों को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ कानपुर में जहाँ से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं अपना रेलवे स्टेशन देखूँ तो तकरीबन 12 किलोमीटर है, और जब भी मैं रेलवे स्टेशन सोचता हूँ यार कौन जाएगा वहाँ, अब वहाँ से भी 3-4 किलोमीटर आगे, मतलब उतना एक छोटी सी गोल का बॉल रखा, आप इमेजिन करके देखो, और वहाँ का जो पिक्चर है वो क्लियर लेने वाला है, मतलब बड़ी बात है। सो ये इसकी खास बात है, ये जो है खगोलीय क्या करने वाला है, ये अब तक की सबसे बड़ी खगोलीय फिल्म भी बनाने वाला है। जितने भी आकाश के आपके पिंड है और सारी तारे वगैरह चल रही है तो उनकी शूटिंग करने वाला है या उस पर एक फिल्म बनाने वाला है, ठीक है। तस्वीर वास्तव में इतनी बड़ी है, अब देखो एक बात चीज़ों की, ये जो तस्वीर है वो इतनी बड़ी है, इसमें जो है 378 के अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी स्क्रीन है, मतलब समझ रहे हो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बड़ी है। ये जो है छोटे मंद, बहुत मंद और उससे भी मंद, अति मंद और कितना भी मंद बोल दो, उन सब का प्रॉपर तरीके से पिक ले सकती है। अब एक बात समझिए कि इसमें जो सेंसर लगाया गया है नग्न आंखों के साथ दिखाई देने वाली वस्तुओं की तुलना में 100 मिलियन गुना अधिक धुंधल कर देने वाली पिक्चर्स को भी ये देख सकती है। 100 मिलियन अधिक धुंधल मतलब कितना धुंधल होगा उसको भी देख सकती है। कहने का मतलब ये है डार्क मैटर डार्क एनर्जी को और हमारा जो खगोल है ये हमारा आपने देखा है ना, उसको एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया। और मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी हमारी एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा जो क्लिक्स है, अपनी फर्स्ट फोटो क्लिक की है, ये कहाँ पे है, ये चिले में है।
और यूनिवर्सिटी का नाम पूछ सकती है, LSST है, यूनिवर्सिटी के लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम टेलीस्कोप में, चिले चिले में यूनिवर्सिटी है और उसके लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम टेलीस्कोप, LSST, ये नाम याद रख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म आपको याद रहेगा। इसके बाद अगले खबर की तरफ चलते हैं, ये हमने कवर कर लिया है डोर स्टेप डिलीवरी वाली बात। PM होल्ड स्वनिधि संवाद विद द स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ मध्य प्रदेश। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना बनाई है, PM स्वनिधि योजना बनाई है, इस योजना में क्या हुआ है, इस योजना में जो छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी वाले रखने वाले लोग हैं, उनको 10,000 रुपये का जो है कर्ज दिया जाएगा और कोलेटरल फ्री होगा। और मेरा मानना है कि ये प्रधानमंत्री का ये योजना बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि अगर हम स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें तो सुबह 500 रुपये कर्ज लेते हैं, फिर उसका 700 रुपये जो है कर्ज देने वाले को लौटाते हैं, 100-150 रुपये कमाते हैं। अगर ये पैसा पूरी तरीके से उनके ऊपर तक ग्रास रूट लेवल तक करप्शन फ्री अगर पहुँच पाए तो मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट होगा ग्रास रूट लेवल पे। तो उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री ने एक संवाद स्थापित किया है 3 लोगों के साथ मध्य प्रदेश में, जानने की कोशिश की है कि ये जो है जो योजना है इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके पास तक ये फंड एलोकेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और इसको मॉनिटर करने की संवाद के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस योजना को लागू करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है। तो ये छोटा सा जो है स्टेप है स्वनिधि संवाद के द्वारा, ताकि जो है ये PM स्वनिधि योजना है इसको प्रॉपर तरीके से लागू किया जा सके। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये चीज़ें की है डिजिटल वर्जन में बातचीत करने की कोशिश की, अगर इसे ग्रास रूट लेवल पे हम इम्प्लीमेंट कर पाए तो हमारा देश अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ऊपर से समुंदर बहता है, नीचे बूंद भी नहीं मिल पाता है, करप्शन का लेवल इतना बड़ा है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी को मेरा मानना है और मॉनिटर करना चाहिए ताकि सिस्टम में और सुधार हो पाए। न्यूज़ फटाफट में बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रोवाइड किया है Y+ कैटेगरी, और आपने बहुत न्यूज़ पे सुना है क्योंकि हम लोगों ने RRB एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ, SSC रिजल्ट दो, इस तरीके का बहुत सारा जो है ट्विटर कैंपेन चलाया। उस वक्त एक बात ये बोला है कि भाई साहब रिया और रिया से बाहर निकलो, तो रिया और रिया से बाहर नहीं निकले, कंगना और कंगना के साथ घुस गए हैं, क्योंकि आपने पता है कि महाराष्ट्र की सरकार और कंगना के बीच में लड़ाई चल रही है। क्यों? क्योंकि कंगना भाई साहब वैसी बंदी हैं जो सच के लिए आवाज़ उठाती हैं, चाहे उनके कैरियर का कितना भी कुछ हो जाए वो बिल्कुल भी डरती नहीं है। और आपको पता है ना सरकारें क्या करती है, उन्होंने उनका ऑफिस ढहा दिया ये कह के कि ये गैर कानूनी है, और उनको सरकार की तरफ से अपील करने के बाद Y+3D की सुरक्षा मिली हुई है। आप एक बात समझिएगा कि Y+3D की सुरक्षा में क्या होता है, इसके अंदर निवास सुरक्षा होता है, मोबाइल सुरक्षा होता है, कार्यालय सुरक्षा होता है। तो कार्यालय की सुरक्षा क्या मिलेगी, कार्यालय तो गिरा दिया गया ये बोल के कि ये अवैध है, तो कार्यालय बन नहीं पाया है, वो अपने जयपुर के कार्यालय से अब काम करेगी। हाल ही में न्यूज़ देखा है हमने, और ये बड़ी बात है क्योंकि इनके विषय में रिया से तो बेहतर है कि कंगना के विषय में न्यूज़ सुन लो। इनकी मूवी देखी थी हमने तनु वेड्स मनु, लिटरली देखिएगा भाई सब क्या मूवी है, मस्त एक्टिंग करती हैं। और कई सारी जो है कंगना की मूवीज़ है, और भाई साहब ये पहली ऐसी लेडी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में लड़ के अपने हक के लिए खड़ी हुई हैं, अपने टैलेंट के दम पे खड़ी हुई हैं। सो एक चीज़ और समझिएगा कि जो अंतर्राज्य सुरक्षा पुलिस है ये आवास सुरक्षा प्रदान करती है, और जो मोबाइल सुरक्षा है वो भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रदान करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कंगना रनावत पूरी की पूरी सुरक्षा मिली हुई है, और सरकार की तरफ से इनको सुरक्षा देना मेरा मानना है कि एक बेहतर पहल है, क्योंकि ये बंदी ऐसी हैं जो अपनी आवाज़ प्रॉपर तरीके से बुलंद करती है। अगला सेक्शन हमारा वन लाइनर का, फटाफट वन लाइनर करते हैं। अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थ ग्रुप मैन ने अपने अंतरिक्षयान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है, कल्पना चावला के नाम पर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद किया, मध्य प्रदेश के साथ। राफेल विमान के पहले बैच को हाल ही में भारतीय वायुसेना में कहां पर शामिल किया गया है, अम्बाला में किया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, परेश रावल को नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किसने किया है, ये निर्मला सीतारमन जी ने किया है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 105वीं रैंक पे पहुंचा है, 79 से 26 रैंक पीछे हुआ है। 124वीं रैंक चाइना को है, हांगकांग को पहली और सिंगापुर को दूसरी रैंक मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में बाल मृत्यु दर की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि देश में 1990 से 2019 के बीच 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में सालाना 4.5% की कमी आई है। हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हमारे सिद्ध रुधा स्वामी जी
के नाम पर रख गया है, सिद्ध रुदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया है। ये दक्षिणी पश्चिमी जो है रेलवे का मुख्यालय भी है। भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। वो किस राज्य की रहने वाली है? हरियाणा की रहने वाली है। फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स पॉट ने क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस देश की यूनिवर्सिटी के लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम टेलीस्कोप में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगाया जाएगा? चिले में लगाया जाएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस अभिनेत्री को CRPF सुरक्षा का Y+3D की सुरक्षा दी है? कंगना रनावत को दी है। अब अगला सेक्शन आता है हमारा MCQ का, तो फटाफट जो है मन के अंदर जवाब दीजिएगा। और रात को वीडियो करते करते मुंह में पानी आ जाता है, टंग स्लिप करने लगता है, तो मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नसरुद्दीन शाह को, जावेद अख्तर को, शबाना आजमी को, परेश रावल जी को किया गया है। इसके बाद अगर बात करें हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोरस्टेप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किसने किया है? निर्मला सीतारमन जी ने किया हुआ है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, राफेल विमान के पहले बैच को हाल ही में भारतीय वायुसेना में कहां पर शामिल किया गया था? अम्बाला में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमैन में अपनी अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? कल्पना चावला के नाम पर रखा है। इसके बाद अगर बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया था? आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 105वें स्थान पर पहुंचा है, 79 स्थान से स्लिप किया है 26, और 124 चाइना की रैंकिंग, हांगकांग को पहला, सिंगापुर को दूसरा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में बाल मृत्यु दर की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि देश में 1990 से 2019 के बीच 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु में सालाना 4.5% कमी आई है, 12.6% से ये जो है 3.4% पे भी कन्वर्ट हुई है अगर 5 सालों की बात करें तो। इसके बाद बात करें, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय भी है। इसके बाद भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक के गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है। वो किस राज्य की रहने वाली हैं? वो हमारी हरियाणा की रहने वाली हैं। इसके बाद अगर बात करें हम, फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेयर्स पॉट ने क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को क्या किया? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद किस देश की यूनिवर्सिटी के लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST टेलीस्कोप में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगाया है? ये नाम भी जो है याद रख लीजिएगा यूनिवर्सिटी के लिगेसी में। चिले नाम है, कहाँ है? चिले। तीसरा LSST भी याद रखिएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस अभिनेत्री को CRPF सुरक्षा का Y+3D दिया है? कंगना रनावत को दिया हुआ है। और आपका ऑप्शन है थर्ड। उम्मीद करता हूँ जो है आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया हो, और अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, और करंट अफेयर की वीडियोस को अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा।